फ्रेंड्स, मैं शेफ गौरव मेहरा देसी विदेसी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक्स, जिसके साथ हम लेंगे मैंगो, लीची, ये सीजनल टॉपिंग्स जो पैनकेक के ऊपर अच्छी जाती है। साथ में हम जलेंगे चॉकलेट सिरप, जो बच्चों का फेवरेट है। तो आइए चलिए बनाते हैं हम अपने पैनकेक्स। सो पैनकेक बनाने के लिए हमें पहले चाहिए मैदा, पिघलाया हुआ बटर, दूध, शक्कर, बेकिंग पाउडर, नमक, वेनिला एसेंस, बेकिंग सोडा। पहले हम लेते हैं मैदा, इसके हमने छान के लिया हुआ। अब हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, डाल रहे हैं बेकिंग सोडा, नमक, हम लेते हैं शुगर, इसमें हम डाल रहे हैं पिघलाया हुआ बटर, थोड़ा सा वेनिला सिरप और दूध। साथ में हम इसके हल्का सा विस्क करते जाएंगे बैटर। आप इसको विस्क करते रहे जब तक उसका शुगर मेल्ट नहीं हो जाती उसके अंदर डिजॉल्व प्रॉपरली, जो हमने डाली हुई है। तो हमारा ये पैनकेक का मिक्सचर रेडी है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। पैन को मीडियम आंच पर रख लीजिए और अब हम डालने जा रहे हैं पैनकेक। जब प्रॉपर पूरे बबल्स आ जाए, इसका मतलब ये पक चुका है, तब इसके साइड चेंज कर दीजिए। अब ये इसको पलटाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ये प्रॉपर कलर है एक प्रॉपर पैनकेक का। देखते हैं, अब दूसरा साइड भी ये तैयार हो चुका है। हम इसको उठा के प्लेट में रख देते हैं। अब तैयार है हमारे पैनकेक्स रेडी है। हम जो आज सीजनल मैंगो लीचीज है वो आज पैनकेक में टॉपिंग्स में रखेंगे, और साथ में हनी और बच्चों का हर्सली सिरप जो बच्चों को पसंद है। तो हम डाल रहे हैं थोड़ी सी अपनी लीचीज, जो फ्रेश लीचीज है वो सीजनल है, वो हम डाल रहे हैं। डाल रहे हैं मैंगोस, अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप तीसरे। हल्के से हम हनी डाल रहे हैं। पैनकेक का एकॉम्पलीमेंट होता है फ्रेश क्रीम या फिर हनी या फिर मेपल सिरप। हमारे पास यहाँ पे हनी है, हम डाल रहे हैं वो, और आइसिंग शुगर। तो आपके पैनकेक्स 3 टॉपिंग से तैयार है, और ये पैनकेक्स में ये बैटर से आप बना सकते हैं कम से कम ऐसी 9 पैनकेक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स लिख के जरूर भेजिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।